खाने में क्या खाओगे? जो ओके, हाय एवरीवन, आज मैं वेजी पुलाव बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ साबुत मसाले और एक चुटकी हींग। आलू और गोभी को मैंने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में रख लिया है। दूसरी ओर तड़के के लिए है प्याज, और चावल को मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था, धोकर साइड में। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, गरम कर दिया है अच्छे से 1 चम्मच, और इसमें डालूंगी ये सारे साबुत मसाले। जब मसाले अच्छे से ब्राउन हो जाए, खुशबू देने लगे, तब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज। फ्लेम पर हम लोग अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे अपनी कटी हुई वेजीज, जबकि मैंने यहाँ पे पोटैटो और कॉलीफ्लावर लिए। हम अपनी वेजीज को 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम पानी। यहाँ पे 1 गिलास चावल है और 1.5 गिलास उसमें मैंने पानी डाला है। अब बारी आती है हमारी राइस डालने की, और राइस डालने के बाद 3-4 मिनट बॉईल कर लेंगे। जब 3-4 मिनट का बॉईल आ जाए हमारी वेजीज और राइस में, हम यहाँ ढक्कन लगाकर 1 सीटी इसमें लगवाएंगे, और फिर गैस ऑफ कर देंगे। और हमारे वेजी पुलाव बनकर तैयार हैं। टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे बने हैं। सबसे पहले देने जाती हूँ जनाब को। अब इसके साथ भी और भी कुछ चाहिए? पापड़। मैं भी अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आम का अचार लिया है, 2 टमाटर के टुकड़े और कुछ पुलाव, और टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। आप भी ट्राई करिए, और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। कुछ नया रेसिपी बना के दिखाऊंगी, और मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।